ईसा मसीह जीसस ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। मालिक जो है वो जा रहा है अपना घर केयर टेकर्स को देकर। कुछ काम करने वाले लोग उस घर में हैं, केयर टेकर्स, उनको देकर मालिक जा रहा है। और मालिक सबको बोलकर जाता है, मैं कभी भी आऊँगा, मैं कभी भी आऊँगा, तुम दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार रहना, मैं किसी भी क्षण आ सकता हूँ, तुम सजग रहना, तुम होश में रहना। अब वो बोल कर चले गए। अब जब वो बोले तब उन्होंने ये बोला कि जो उस वक्त जागृत होगा वो मेरा प्रिय पात्र बनेगा। उस वक्त जो जागृत होगा वो मेरा प्रिय पात्र बनेगा, और जो जागृत नहीं होगा उसे सजा मिलेगी। ये बताकर मालिक चले गए। फिर मालिक जब आया तो क्या होगा, उस बीच में लोगों को हैबिट पड़ गई, बहुत दिन से मालिक आया ही नहीं है, तो लोगों की ऐसे टेंडेंसी वृत्ति, सोने लग गए, कभी भी सोने लग गए, अभी तो आराम है, खाओ पियो नींद करो, तमोगुण बढ़ रहा है शरीर में। मगर कुछ लोग हैं जो ख्याल रख रहे हैं, हमें सजग रहना है, खाना उतना खाओ जिससे सजगता जाए नहीं। तो जिनके अंदर था कि मालिक के हम प्रिय पात्र बने, उन्होंने कैसे अपने आप को रखा, और जिनमें वो प्रेम भक्ति नहीं थी वे कैसे रहे। तो मालिक अचानक एक दिन आए और जो जागे थे वे प्रिय पात्र बने और बाकी लोगों को सजा मिली। ये कहानी उन्होंने बताई। देखो कहानी में एक्चुअली क्या अर्थ है वो लोग समझ नहीं पाते, कि सजा दी, कुछ तो नेगेटिव किया, ऐसे शब्द बंदे, मगर एक्चुअली क्या है। और प्रिय पात्र बने, उनको इनाम मिला है, तो कौन सा इनाम मिला, तो उसको याद रखना, होश खुद इनाम है, होश खुद इनाम है। जो लोग खुद को सजग रख पाए उनका तो शिविर ही हो गया, उनको वो इनाम मिल गया। ये तरीका था मालिक का, ये मालिक का तरीका था काम करवाने का। और जो लोग बेहोश थे उनको कौन सी सजा दी, कोई सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेहोशी खुद सजा है, बेहोशी खुद सजा है। बेहोशी में लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या नहीं मिल सकता था इंसान को पृथ्वी पर, सब खो रहा है वो। सिर्फ इंद्रियों को खुश करना, उसने खुद को खुश करना मान लिया। क्या पाया उसने, सजा तो मिल ही रही है बेहोशी की। तो होश खुद इनाम है, ये समझ में आ गया तो फिर होश से सब पहेलियां सुलझ जाएगी, संसार की, समाज की, विश्व की। आप वह देख रहे हो जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं, अदृश्य से क्या आ रहा है, ऐसा होश आप में जग गया है। आपको हंस होश इस गुण पर काम करना है, हंस होश। अभी हंस होश को भी समझ ले, हंसते हंसते होश में रहें। हंस चेतना, होश में, तो इसको समझ लें। इसको कैसे समझेंगे कि सीप है, सीप होती है ना जिसके अंदर मोती होता है, उसमें दो ढक्कन होते, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, ये सभी ने देखा है। सीप में मोती, नीचे जो है वो है होश, होश, और ऊपर जो है वो है हैप्पी, हैप्पीनेस, हंस, हंसना। ये दो के बीच में अनुभव का मोती, अनुभव का मोती जिसे होल्ड करना है। तो होश है और हैप्पीनेस है, तो आपको ये गुण लाने के लिए क्या करना होगा, क्या होना चाहिए इस गुण में। इस गुण में ये होना चाहिए कि आपकी हैप्पी हैट कभी ना उतरे, आपकी हैप्पी हैट, आपकी टोपी हैप्पी हैट है जो, वो कभी ना उतरे। यानी अभी क्या होता है उसको समझ लो कि देखो आप एक तंबू में बैठे हो, टेंट तंबू में बैठे हो और तंबू में आपके कार्य चल रहे हैं, फिर जोरदार तूफान आता है और तंबू की छत उड़ जाती है, तंबू की छत उड़ जाती है। जीवन में आती नहीं कुछ समस्या है, तो जब छत उड़ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हवा इतनी जोर से लगी है, तो तब आपको क्या करना चाहिए, अपनी टोपी को पकड़ लेना कि इसे उतरने नहीं देना, इसे उड़ने नहीं देना। इतना तो कर सकते हो ना, छत को पकड़ना आपके लिए संभव नहीं था, छत को पकड़ना आपके लिए संभव नहीं था। टोपी पकड़ लो, ये नहीं उतरने दूंगा, ये नहीं उतरने दूंगा, क्योंकि छत उड़ने के बाद क्या मन में विचार आते हैं, जिसकी वजह से हैट भी उतर जाती है। क्या विचार आते हैं मन में, अरे टेंट का रेंट दिया था, गया सब, टेंट का रेंट। यानी ऐसे नेगेटिव विचार शुरू होते, अब ये गया मेरा, वो गया। हैप्पी हैट उतर गई, छत उड़ गई ना, हैप्पी हैट को बचाओ। समस्या आए जो भी आए, खुद से पूछना मेरे हैप्पी हैट उड़ रही है क्या, वो उड़ रही है उसको पहले बचाओ, बाकी सब बचाया जाएगा। हैप्पी हैट नहीं बची तो जो छत बनना और कठिन हो जाएगा। अगर आपने हैप्पी हैट पकड़ ली तो एक दिन कंक्रीट की टेरेस बन जाएगी जिस पर आप चलोगे। जिस पर आप चलोगे, अभिव्यक्ति करोगे, नृत्य अभिव्यक्ति करोगे टेरेस पर जाकर। अगर आपने हैप्पी हैट संभाली तो, क्योंकि छत उड़ी, क्योंकि नई छत आनी थी, नई छत आनी थी। कुछ होता, कुछ बदलाहट आती है जीवन में, आपका जॉब बदल गया, बिजनेस बदल गया, लोग बदल गए, क्या क्या नहीं होता, मगर उसका रिप्लेसमेंट क्या है। हरीच्छा पार्ट 2 क्या है? हरीच्छा पार्ट 1 ये कि छत उड़ जाए, पार्ट 2 है कंक्रीट की टेरेस बने। ये हरीच्छा पार्ट 2 है। लोग हरीच्छा को समझ नहीं पाते, दुखी होते, और फिर जो आगे आने वाला उसमें और रुकावट। अभी आप ये भाषा समझ रहे हो कुदरत की, तो हरी 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 में इतनी गलतियां करते, हरी वरी पेशेंस रख ही नहीं पाते, हरी हरी करते करते पेशेंस ही नहीं रख पाते। तो पहले तुम्हारी हैप्पी हेड संभालो, ये हंस होश है, हंस होश। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महाआसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।